Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Guys, we are going to start grammar's lesson number 3. Or lesson number 3 ka naam hai simple sentences. Okay, so the first lesson was to be sentences and the second lesson was possessive. And today we are going to start the third lesson of grammar. And this is simple sentences. And today we are going to start the present simple. इस लेसन की खासियत ये है कि ये लेसन अपनी हर टेंस के अंदर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करेगा. जैसे प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हैबिट एंड रूटीन है, ये मेन इसके आइडेंटिफिकेशन हैं. बहुत सारी जगहों पर टाइम भी इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन टाइम है. बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. बहुत सारी जगहों पर आप ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है. वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इसकी आइडेंटिफिकेशन है, हैबिट एंड रूटीन और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. पहले आप इसको सिंपल तरीके से स्टडी करेंगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम समझेंगे, ठीक है ना. सो प्रेजेंट सिंपल की जो आइडेंटिफिकेशन है वह हैबिट एंड रूटीन. हैबिट से मुराद ये है कि हमारे रोज़ के काम, जो हम रोज़ काम करते हैं. फिर सपोज़ सुबह को मैं 7-8 बजे उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, या मैं ऑफिस जाता हूँ, या मैं लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, या मैं अखबार पढ़ता हूँ. वो काम जो मेरा रूटीन है, जो मेरा रोज़ का काम है, मैं ये रोज़ करता हूँ. नंबर वन ये हो गया रूटीन. उसके अलावा है हैबिट. हैबिट का मतलब है आदत, हमारी आदत है. फॉर सपोज वो बंदा झूठ बोलता है, अब वो झूठ बोलता है उसमें आदत है झूठ बोलने की, सच बोलता है सच बोलने की आदत है, क्रिकेट खेलता है क्रिकेट खेलने की आदत है, स्मोकिंग करता है स्मोकिंग करने की उसके अंदर आदत है, ठीक है ना. गरीबों की मदद करता है, यानी तो फिर चाय पीता है, या कोई ऐसी आदत है जो अच्छी है या बुरी है, लेकिन उसमें वो आदत है. अच्छी हो या बुरी हो लेकिन वो उसकी आदत हो. आदत और रूटीन, ये दोनों चीज़ें, मतलब आदत और रोज़ का काम जो है, ये प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन है. अब प्रेजेंट सिंपल जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इसका इस्तेमाल है लैंग्वेज के अंदर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये लेसन. इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. आप इस फार्मूले को देखें, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस एंड ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. इस फॉर्मूले के अंदर सब्जेक्ट आपका काम करने वाला हो गया, वर्ब आपका एक्शन वर्ब जैसे होता है काम वो हो गया, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है सब्जेक्ट. आप इधर देख रहे होंगे एस एंड ई एस. ये एस और ई एस क्या है? बेसिकली एस और ई एस की एडिशन हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और कहीं पर भी नहीं होती ग्रामर के अंदर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम तब लगाते हैं जब आपका जुमला प्रेजेंट सिंपल का हो, जिसकी आइडेंटिफिकेशन आदत और रूटीन हो. मैं ये काम करता हूँ, ठीक है ना. अमूमन ये भी कहा जाता है कि उर्दू जुबान के अंदर ये जुमला ताहते हैं पे ख़त्म होता है, बट वी शुड नॉट सी सच टाइप ऑफ ट्रिक्स. हमें इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ताहे तीहे तेहे पे उर्दू ज़ुबान के अंदर ये जुमला ख़त्म होता है. मैं आता हूँ, जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, खेलता हूँ, पूछता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ, लड़ता हूँ, इस तरीके से. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्रेजेंट सिंपल के अंदर लगेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है. वर्ब के साथ एस या ई एस तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो प्रेजेंट सिंपल के अंदर. ये जो प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, ये प्रेजेंट सिंपल का जो लेसन है, इसकी पहचान आदत और रूटीन है, उसमें भी वर्ब के साथ एस और ई एस तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा. और नेगेटिव कंडीशन में और इंटरगेटिव में और नेगेटिव इंटरगेटिव में हम डस लेकर आएंगे. लेकिन इसी प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम, अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो नो एस एंड यस. एस और यस में से कुछ भी नहीं लगेगा और नेगेटिव में डू लगेगा. याद रखें, एस और यस में से कुछ भी नहीं लगेगा और डू लगेगा. जैसे हमारे सामने नीचे लिखा हुआ है, नीचे आप देखें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट. आप देखें जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही है तो हमने प्ले के साथ एस की एडिशन की है, लेकिन उसी के सामने अगर हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो लिखा हुआ है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट. यहाँ पर देखें प्ले के साथ एस और यस की एडिशन नहीं है. नीचे आएँ, देखें वो कराची जाती है, शी गोज टू कराची. अब देखें यहाँ पर गोज के पास ई एस पड़ा हुआ है, लेकिन उसी के सामने लिखा हुआ है वो कराची जाते हैं, दे गो टू कराची, देयर इज नो एस एंड ई एस. ओके, फिर नीचे आएँ, लिखा हुआ है अली मुझे पढ़ाता है, अली टीच मी, अली के साथ जो टीचर्स वर्ड है उसमें देखें आप ई एस लगा हुआ है, लेकिन उसी के सामने लिखा हुआ है हम उन्हें पढ़ाते हैं, वी टीचते हैं, इधर एस और ई एस नहीं है. आपने ये चीज़ नोट की होगी इधर कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो आप एस और ई एस की एडिशन कर रहे हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो एस और ई एस की एडिशन नहीं कर रहे, ठीक है ना. अब यहाँ पर इट के साथ भी जुमला बन सकता है. मिसाल के तौर पर इट बॉक्स, ये भोंकता है, इट रन्स, ये भागता है जानवर के लिए, या इट वर्क्स, बेजान चीज़ के लिए कहते हैं इट वर्क्स, ये काम करती है, लाइक जैसे इट के साथ भी एस और ईस आएगा. अब यहाँ पर ये सीखना है कि एस कब आएगा और ई एस कब आएगा.
ये भी तो देखना है ना, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ही प्लेज, प्ले के साथ एस पड़ा हुआ है और नीचे गोज और टीचर्स के पास ई एस पड़ा हुआ है। तो जो वर्ब सी एच एस एच ओ एक्स एस डबल एस, इन लेटर्स पर जो वर्ब ख़त्म होता है, जो वर्ब इन लेटर्स पर ख़त्म होता है, तो हम उसको एस नहीं देते, ई एस देते हैं। याद रखें कि जो वर्ब सी एच एस एच ओ एक्स एस डबल एस, इन लेटर्स पर जो वर्ब ख़त्म होता है उसको हम एस नहीं देते, उसको हम ई एस देते हैं। जैसे आपके सामने इधर मिसाल है कि वो क्रिकेट खेलता है, प्लेज क्रिकेट, प्ले जो है प्ले वाई पे ख़त्म होता है, सी एच एस एच ओ एक्स एस डबल एस इन लेटर्स पर ख़त्म नहीं होता, तो हमने सिर्फ उसको एस दिया। लेकिन नीचे अगर गो को देखें तो गो ओ पे ख़त्म होता है, और जब ओ पे ख़त्म होता है तो हम ई एस देंगे। तो देखें यहाँ पर हमने ई एस दिया हुआ है, ठीक है ना। नीचे टीच वर्ड है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं टीच भी किस पे ख़त्म हुआ है, टीच भी सी एच पे ख़त्म हुआ है, तो भी हमने उसको ई एस दिया, क्योंकि सी एच पे जब ख़त्म होगा तो हम ई एस देंगे। इसी तरीके से आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप एस या ई एस में से कुछ ज़रूर देंगे। अब आपने मिसाल के तौर पे देख लिया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके बाद आपने देखना है कि वर्ब आपका किस पे ख़त्म हो रहा है। अगर इन लेटर्स पर ख़त्म हो रहा है तो आप ई एस दें, वरना एस दें। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप एस और ई एस कुछ भी ना दें, ठीक है ना। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वो कराची जाता ही, वो क्रिकेट खेलता है, प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब अफर्मेटिव कंडीशन के अंदर आप देखें प्ले के पास एस है, लेकिन नेगेटिव के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने डज की एडिशन की है। डज की एडिशन जैसे ही होगी तो वर्ब में से एस और इस हट जाएगा, ठीक है ना। नीचे कोर में आपको एग्जांपल देता हूँ, वो कराची जाती है, शी गोज टू कराची, वो कराची नहीं जाती, शी डज। अब ये डज बनता कैसे, बेसिकली ये डू है, डू नॉट गो टू कराची, ठीक है। अब देखें आप अफर्मेटिव कंडीशन में गो के पास ई एस है, लेकिन नेगेटिव के अंदर गो के पास ई एस नहीं है, क्योंकि हमने गो में से निकाल कर डू को देकर डज बना दिया। तो शी गोज टू कराची, शी डज नॉट गो टू कराची, ये गोज में से गो इसलिए होता है, नेगेटिव के अंदर वर्ब में से सॉरी इसलिए हटता है क्योंकि वो डू को दे देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे तो चलो ठीक है, गोज के पास ई एस था, हमने डू को देकर डज बनाया, लेकिन ऊपर तो प्ले के पास सिर्फ एस है, तो आपने नीचे ई एस कैसे उतारा, वो ऐसे उतारा कि डू किस पे ख़त्म हो रहा है, ओ पे। तो जब ओ पे वर्ब ख़त्म होता है तो हम ई एस देते हैं, भले प्ले के पास एस हो लेकिन डू को हम ई एस ही देंगे, क्योंकि डू ओ पे ख़त्म होता है तो स्पेलिंग रूल के मुताबिक हम इसको ई एस ही देंगे, ठीक है। अब शी गोज टू कराची, शी डज नॉट गो टू कराची, डज शी गो टू कराची, डज शी नॉट गो टू कराची। अब अली टीचेस मी, अली डज नॉट टीच मी, डज अली टीच मी, डज अली नॉट टीच मी, लाइक दिस वे। अब इस तरफ आ जाएं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखें एस और ई एस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो हम एस और ई एस नहीं लगाते। और नेगेटिव में देखें डू आया, डू क्यों आया, क्योंकि उसके पास तो एस और ई एस है ही नहीं, हमने नीचे डू लगा दिया। तो इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे दे गो टू कराची, वो कराची जाते, वो कराची नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू कराची, ओके। क्या वो कराची जाते हैं, डू दे गो टू कराची, डू दे नॉट गो टू कराची, वी टीच, वी डू नॉट टीच दैट, ओके। तो इसी तरीके से मैं ये काम करता हूँ, मैं इधर भी लिख देता हूँ कि उर्दू ज़ुबान के अंदर ये ता है, ती है, ते हैं पे ख़त्म होता है। इवन सिंधी के अंदर ये बताते हैं कि था, थो एंड थी। तो मैं ये काम करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, आदत और रूटीन, हम ये काम करते हैं, तुम ये काम करते हो, वो ये काम करता है, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट सिंपल। थैंक यू वेरी मच, नाइस।